हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी के बारे में। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत टोटल दो भाषाएं, दो बोलियां आती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने पांच वीडियो बना दिए हैं, ठीक। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं। ये छठा वीडियो है और अंतिम वीडियो। आज के बाद टोटल पांच उपभाषा और 17 बोलियों के बारे में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर के एक तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर नए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी को पांच वर्गों और 17 बोलियों में विभाजित किया गया, ठीक। हमने पहले वीडियो में यही सब बताया है, ठीक। और दूसरे वीडियो हमने पूर्वी हिंदी के बारे में बताया है, इसकी अवधी भाषा की चर्चा की, बघेली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा की और इनके अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की और इनके कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये हमने दूसरे वीडियो में किया, ठीक। इसके बाद हमने तीसरा वीडियो बनाया था पश्चिमी हिंदी के बारे में, जिसमें हमने ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली के बारे में बात की, ठीक। ये हमारा तीसरा तीसरा वीडियो था। उसके बाद हमने चौथा वीडियो बनाया, जिसमें हमने बिहारी हिंदी के बारे में बात की, ठीक। चौथे वीडियो में हमने बिहारी हिंदी के बारे में बात की, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा किया था, ठीक। उसके बाद हमने ये बनाई थी पांचवा वीडियो बनाया था, जिसमें हमने राजस्थानी हिंदी के बारे में बात की। इसके अंदर चार बोलियाँ, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी के बारे में बात किया था, ठीक। आज हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी, जिसको जो कि खस अपभ्रंश से निकलती है और इसके अंतर्गत मुख्यतः दो बोलियाँ आती हैं, गढ़वाली और कुमायनी। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहाड़ी हिंदी देखते हैं। तो देखिए, इस हिंदी का विकास किससे हुआ? खस अपभ्रंश से। याद रखेंगे, पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ? खस अपभ्रंश से, ठीक। देखिए, इस बोली का प्रयोग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किया था, जिसमें प्रमुख क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो ही बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। और ये जो दोनों बोलियों के बारे में बात करेंगे वो मुख्यतः उत्तराखंड की ही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के बनाया गया था, ठीक, जिसका पहले नाम उत्तरांचल था और 2006 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया है। इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, ठीक। अब देखिए, जो पहाड़ी हिंदी, इसकी मुख्यतः दो बोलियां हैं, कौन कौन सी? कुमायुनी और गढ़वाली। हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक। देखिए, इन बोलियों के नामकरण उत्तराखंड के दो मंडल, देखिए जैसे कि भारत में 17-18 मंडल हैं, ठीक, उसी प्रकार से आपको उत्तराखंड में दो मंडल मिलेंगे, कुमायूं, ठीक। तो कौन कौन से मंडल हैं? कुमायूं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। कुमायूं मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1854 में, ठीक। और गढ़वाल की 1969 में। देखिए, पहले यूपी में आते थे ये सभी, क्या आते थे यूपी में, जब यूपी से अलग हुए उत्तराखंड के, मतलब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के जब उत्तराखंड बनाया गया पहाड़ी इलाकों को, तो उसमें केवल और केवल दो मंडल बचे, ठीक, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक। तो इन्हीं के आधार पर कुमायूं मंडल में बोले जाने वाली भाषाओं को हमने कुमायूनी कह दी और गढ़वाल मंडल में बोली जाने वाली भाषा को हमने क्या बोल दी, बोली को क्या बोल दिया? गढ़वाली, ठीक। तो समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कुमायूनी के बारे में, ठीक। कुमायूनी के बारे में देखिए, कुमायूनी शब्द का संबंध संस्कृत के कूर्मांचल से, ठीक। कूर्मांचल ये भी पूछा जाता है, कूर्मांचल का क्या है, तो कुमायूनी का संबंध है, ठीक। ऐसे आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। देखिए, इस बोली का नामकरण कुमायूं, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1854 में, कुमायूं मंडल के नाम पर पड़ा है, जिसका मुख्यालय कहाँ? नैनीताल। बहुत ही अच्छा स्पेस है, ठीक है, प्लेस है, ठीक। तो आप लोग याद रखेंगे कि कुमायूं जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैनीताल है, ठीक। अब देखिए, ये कुमायूनी बोला कहाँ कहता है, ठीक। तो इस देखिए, जो कुमायूं मंडल है इसमें 6 जिले आते हैं, टोटल हमने बताया 13 जिले, ठीक। तो 6 जिले कुमायूं मंडल में आएंगे और 7 जिले जो हैं आपके दूसरे मंडल में आ जाएंगे, ठीक। चलिए, तो कौन कौन से वो जिले हैं? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये 6 जिले हैं जहाँ पर कुमायूनी भाषा बोली जाती, कुमायूनी बोली बोली जाती और ये कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल, ठीक। अब देखिए, इसकी उपबोलियाँ, देखिए इनकी उपबोलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे, मतलब यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं पहाड़ों पे इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा वो अपने अपनी बोलियों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सी जनजाति, मतलब कि उपबोलियाँ हैं इनकी, जैसे खस परजिया, कुमाया, ठीक, कुमायों से कुमाया, ठीक, फल्द कोटिया, पछाही, चौग राखिया, गंगोला, ठीक। इसके बाद
दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, भोटिया और औचो भेसी, ठीक ये हैं इनकी क्या हैं प्रमुख उपबोली हैं। ठीक अब देखिए लोग कुछ लोग हैं जो कुछ या व्याकरणचार्य हैं, व्याकरणचार्य हैं वो क्या बोलते हैं ये राजस्थानी के काफ़ी प्रभावित है, राजस्थान की भाषा से मिलती जुलती होती है। ठीक ये ज़्यादातर किस भाषा से प्रभावित है, राजस्थान से। देखिए ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे ये कल को क्या बोलते हैं भोल, कल को क्या बोले जैसे कल होता है उसको भोल बोलते हैं, जो आने वाला कल है ठीक आने वाले कल को भो बोलते हैं, जैसे हम कहते नहीं आने वाला कल है ना, परसों कहें ना परसों, परसों तो ये क्या बोलते हैं पोरहूं है ना, पोरहूं परसों को पोरहूं बोलते हैं, कभी कहें कथली ठीक, कभी क्या बोलते हैं कथली, नीचे को तल्ली है ना, यहाँ पर अपने यहाँ जैसे अवधि में तरे के बोल देते हैं ना, तो उसी तरह ये लोग नीचे को क्या बोलते हैं तल्ली, ऊपर को मल्ली बोलते हैं ठीक, और छोटा भाई क्या बोलते हैं भुल है ना, भुल छोटे भाई भुल बोलते हैं, और किचन को चुल बोलते हैं ना, और पैसे जो रुपया होता है उसको पैन से बोलते हैं ठीक। तो ये इनकी कुछ भाषाएं हैं, भाषाओं के बोलियों के कुछ क्या हैं शब्द हैं जो कि हमने डिफाइन किए हैं ठीक, तो याद रखना ठीक। अगला है गढ़वाली, गढ़वाली उसी जिस तरह से कुमायूनी का कुमायूं मंडल के आधार पे उसी तरह गढ़वाल का गढ़वाली ठीक। तो देखिए इस बोली का नाम का गढ़वाल, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, मंडल के नाम पर पड़ा, जिसका मुख्यालय क्या है पौड़ी गढ़वाल ठीक, पौड़ी आपने देखा होगा नाम सुना होगा, नहीं पता तो सुना होगा ठीक है, तो पौड़ी है ना। देखिए गढ़वाल से आपने सुना होगा कि है ना अजीत डोभाल यहीं से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड से ठीक है, बहुत ही अच्छे ठीक, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे ठीक। क्षेत्रफल देखिए कहाँ कहाँ क्षेत्र कौन सा है जहाँ जहाँ बोले जाते हैं, देखिए 6 जिले हमने कुमायूं में देखे थे और 7 जिले, टोटल 13 जिले हमने बताए थे ठीक, तो 7 जिलों में गढ़वाली बोले थे। कौन कौन से जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, इन 7 जिलों में गढ़वाली बोली बोली जाती है ठीक। अब इसकी उपभाषा की चर्चा हम करते हैं, तो उपभाषा बहुत सारी हैं इसमें ठीक, हमने बताया इनमें जनजातियाँ रहती हैं इधर उधर है ना, तो देखते हैं इसे राठी, लोबियाली, बधाणी, दसौलिया, नगपुरिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट नगपुरिया याद रखेंगे ठीक, सलानी, टेहरी, बालाहटी है ना, रमोल्या, रमाल्टी, बसौल्या है ना, बडियार, गंगाडी, गंगा नदी के आसपास गंगाडी ठीक है, मांझ कुमैया, ये इंपॉर्टेंट मांझ कुमैया और ये नगपुरिया ठीक, ये दोनों याद रखेंगे ठीक। देखिए मांझ कुमैया जो है उपबोली को कुमायूं और गढ़वाली का मिश्रण बोलते हैं, देखिए ये कुमायूं और गढ़वाली के बीचों बीच पड़ती है, यहाँ पर दोनों बोलियों के कुछ ना कुछ अंश पाए जाते हैं ना, मिक्स समझ लेते हैं इसको, तो ये मिक्सचर है कौन सी, मांझ कुमैया है ना, मांझ कुमैया ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए इसे और क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा, अल्मोड़े में दो संधि कहा जाता है, इसी भाषा को जो अल्मोड़ा पड़ता है, अल्मोड़ा बहुत ही अच्छा इलाका, सुंदर इलाका है ठीक घूमने वाला ठीक, वहाँ पे मांझ कुमैया क्या बोलते हैं दो संधि ठीक, क्योंकि ये दो बोलियों की संधि है, किस किस की, कुमायूनी और गढ़वाली की संधि, इसलिए इसको दो संधि कहते हैं ठीक, क्या बोलते हैं दो संधि ठीक। चलिए अगला देखते हैं, गढ़वाली बोली नगरी लिपि में लिखाती है ना, जो नागरी लिपि होती है, नगरी नहीं नागरी लिपि ठीक, और गढ़वाली की प्रनिष्ठित रूप श्रीनगरिया है, देखिए ये गढ़वाली भाषा जो है गढ़वाली बोली है वो श्रीनगर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी बोली जाती है ठीक, थोड़ी बाड़ी ठीक, तो इसका इसकी प्रनिष्ठित जो रूप है वो श्रीनगरिया को कहा जाता है ठीक। अब देखिए इसके कुछ शब्द देखते हैं, जैसे मैल्यार, बसंत ऋतु क्या बोलते हैं, मैल्यार बसंत ऋतु है ठीक, बारिश को चौमास या बरखा बोलते हैं ठीक, चौमास या बरखा, मत्स्य मछली को क्या बोलते हैं माछो ठीक, अपसरी क्या बोलते हैं अच्छरी ठीक, समझ में आई बात। देखिए ये लोग ला के यहाँ लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईस वाले ला का, आपने ये शब्द देखा भी होगा ऐसे करके है ना, ये ला होता है इसका प्रयोग करते, जैसे पाताल को पयाल लिखते ठीक है, पाताल को क्या लिखते हैं पयाल ठीक, तो इस तरह से ये लोग ला का प्रयोग करते हैं ठीक। अब देखिए आपने देखा होगा हमने उत्तराखंड के बारे में तो बता दिया, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं, देखिए ऐसा नहीं हिमाचल प्रदेश में ये कुमाऊँनी गढ़वाली नहीं बोली जाती, बोली जाती है मगर थोड़ा कम क्षेत्र है इसका ठीक है, यहाँ की कुछ अलग सी बोलियाँ हैं जो कि प्रमुख हैं, इनको आप लोग देख लेना थोड़ा सा है ना, याद कर लेना ठीक है। जैसे सिरमौरी जो सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ बोले थे सिरमौरी, कहाँ सिरमौर जिला में ठीक, बघाटी है ना, क्योंथली ठीक, कुल्लवी, आपने कुल्लू मनाली सुना होगा, तो कुल्लू में कौन सी बोली बोली जाती, कुल्लवी ठीक, मंडियाली, मंडी एक जिला है वहाँ पर मंडियाली बोली जाती ठीक, मंडियाली कहाँ पर, मंडी में ठीक,
चंबयाली, चंबा घाटी है, आपने सुना होगा चंबा घाटी है ना, तो वहां पर चंबाली, कांगड़ी, कांगो बेसिन, ठीक, कांगड़ी, ठीक, भरमौरी, चुराही, पंगवाली, लाहौली, ठीक, ये यहाँ की क्या हैं, कुछ बोलियाँ हैं, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या है, शिमला। क्या राजधानी है, शिमला राजधानी। और यहीं पर क्या है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जो कि कुफरी में पड़ता है, शिमला में है, ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक। देखिए आज से आपकी जो 17 बोलियां हैं वो लेसन आपका समाप्त हो गया है, ठीक। तो आगे हम कोई नेक्स्ट चीज़ शुरू करेंगे, हो सकता है आपको हम लिपि के बारे में बता दें, वैसे आप कमेंट करके हमें बताना कि किसके बारे में अब आपको पढ़ना है। देखिए अभी जो है इन्हीं लिपि के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो ये पूरे एक तरफ से शुरू करेंगे, शब्द, देखिए शब्द शुरू करेंगे, शब्द से फिर सॉरी पहले वर्ण शुरू करेंगे, वर्ण के बाद हम शब्द के बारे में देखेंगे, शब्द के बाद फिर वाक्य देखेंगे। देखिए ये होते क्या हैं, वर्ण में हम वर्णमाला देखेंगे है ना, अनुस्वार विसर्ग है ना, ऐसी चीज़ें देखेंगे। शब्द में क्या होगा, अविकारी विकारी, इसी में सब कुछ चलेगा, एक हिसाब से बहुत सबसे बड़ा चैप्टर होगा ये आपका, ठीक है। शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात है ना, और लिंग, वचन, कारक, काल है ना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी शब्द के अंतर्गत। फिर वाक्य में देखेंगे कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक, इस तरीके से। और इसी में आपकी पर्यायवाची रचना सब कुछ आ जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम इसके बारे में, हिंदी के बारे में आप टेंशन ना लीजिए, हम पूरा A to Z आपको हिंदी कंप्लीट करा देंगे, ठीक। आपको करना क्या है, केवल आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हम UPSI लेवल को लेकर चल रहे हैं, तो आपको इसमें दिक्कत ना हो, ठीक, उस हिसाब से हम इसकी तैयारी करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। देखिए दोबारा हम लिख रहे हैं विश्व हिंदी दिवस ना, तो ये आपको आंसर हमें करके बताना है, अगर आपको पता है तो, ठीक। चलिए धन्यवाद।